मुहूर्त से पहले यश का अपने भैया को राखी बांधते हुए 6:50 हो गए अभी, राखी तो बच चुकी है, बस मुंह मीठा करना बाकी है। दोनों बहन भाइयों का प्रेम ऐसा ही बना रहे। आती बताते चलो, ये गुड इवनिंग फ्रेंड्स, देखिए आज रक्षाबंधन की संध्या हो चुकी है और इधर सनसेट भी पूरी तरह से लगभग हो ही चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह का व्यू आ रहा है छत से, एकदम बढ़िया लग रहा है। और आरती भी बस नीचे से छत पर आने ही वाली है, मुझसे कह रही थी कि आप चलिए और मैं आ रही हूँ, हल्का सा छत का व्यू दिखाते हैं सनसेट का। मुझे लग रहा है कि वो नहीं आ पाएगी और सनसेट पूरी तरह से हुआ ही जा रहा है, तब तक मैं ही दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर दृश्य लगता है शाम के समय। और देखिए फ्रेंड्स, नाम लेते ही आरती हाजिर हो चुकी है। मैं तो आ ही रही थी, आरती का स्वागत करते हैं। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो साथ बोल रही है मेरी, सनसेट नहीं दिखा पाया आरती ने, मैं दिखा दिया। चलिए कोई नहीं, के आरती आई और अभी लगभग 7 बजने वाले हैं, इसलिए अंधेरा अंधेरा होने लगा है। हाँ जी। और आज मैंने पहले हर्षित के लाए हुए झुमके झुमके ये बताइएगा जरूर कि मेरे ऊपर कैसे लग रहे हैं। सांस फूल रही है फ्रेंड्स आरती की, देखिए मैंने आवाज लगाया, मैंने आरती सनसेट पूरी तरह से समाप्त हुए जा रहा है। चलिए कोई नहीं, अब 10 मिनट के लिए टहलूंगी, उसके बाद जाऊंगी नीचे खाना पीना बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हर्षित यश का ट्यूशन पढ़ रहा, आज रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन फिर भी बच्चों के सर आए हैं पढ़ाने। देखिए सर का समर्पण भाव, आज त्योहार के दिन भी सर बच्चों को पढ़ा रहे, काफी अच्छा लगता है जब शिक्षक इस तरह से अपना योगदान और समर्पण भाव दिखाते हैं। और अपने एटा की डिश भी सर को खिलाई, केवल सर ने आधा खाया है आधा नहीं खाया। अब सर से पूछते हैं अच्छा नहीं लगा क्या? काफी अच्छा लगा, क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण अच्छा नहीं लगता है, बट स्वाद काफी अच्छा है। अच्छा जी, चलिए भाई फीडबैक अच्छी मिली, क्वांटिटी ज्यादा थी इसलिए सर ने नहीं खाया, लेकिन खाइएगा। और इधर देखता हूँ आरती क्या करने लगी छत से आने के बाद। देखिए फ्रेंड्स लगी रहती है, ये देखिए पौधों की सेवा, ये दो लोगों की सेवा जम के करती है। सुबह सुबह कन्हैया की नहलाना धोजाना, बढ़िया से कपड़े चेंज करना, और कितने टाइम नहीं सेवा नहीं करती पेड़ पौधों की, बस उनको नहला दिला के। हाँ जी, खाना दे देती है, करूंगी समय, भूखा नहीं छोड़ती है कन्हैया को। हाँ, डेली ड्रेस चेंज करेगी नहला के बढ़िया से। और इस कार्य में आरती की मदद करता हर्षित, हर्षित नहलाएगा तब तक आरती आ जाती है, नहा धो के कपड़े चेंज करेगी, पूजा पाठ संपन्न होता है और बस फ्रेंड्स ऐसे ही चलता रहता है। इधर खाने पीने की चलने लगी तैयारी, आरती मनाने लगी डिनर, रक्षाबंधन स्पेशल। आरती क्या बन रहा है आज खाने में? आज खाने में बन रहा है मटर पनीर। हाँ जी, चावल। अच्छा जी। और पूड़िया। अच्छा, बस घर को बहुत आज मिस कर रहे हैं सर, फोन आ रहा है मुझे। लोग काफी मिस कर रहे हैं घर को, तुम नहीं कर रहे हो, मैं उतना ज्यादा मैं ज्यादा कर रही हूँ अपने भाई को। अच्छा, तीन भाई है मेरे, तीन को मिस कर रही हूँ। तीन भाई है लेकिन दो घर पे नहीं है, केवल एक ही घर पे है, एक भी नहीं आया, ये क्या मतलब है? मैं अभी तो नहीं गई हूँ, तो कहा बोल देते कुछ भी, तुम नहीं लेके गए, ये भाइयों को नहीं जज कर सकते हो, उन्होंने कहा था क्या? क्योंकि हमारे यहाँ का क्या है, जो इतने काम का माहौल रहता है रक्षाबंधन के टाइम, रक्षाबंधन के दिन यहाँ ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। सारी लड़कियां बहुए सारी तैयार होके और क्या कहते हैं भुजरियां लेके जाती है, भुजरियां का मतलब जो नवरात्र में हम मिट्टी के पॉट में जौ और गेहूं लगाते हैं, बिल्कुल बस उसी तरह वो क्या कहते हैं नाग पंचमी के दिन गेहूं और जौ बोया जाता है। हाँ जी। मिट्टी के पॉट में, और उसको लेके एक तालाब पे
तालाब पास में है या पोखर तालाब नदी जो भी नदी रहता है, तो सारी पूरी मोहल्ले की इकट्ठे होके पूरे मोहल्ले की का पूरे गांव की इकट्ठी हो जाती है एक जगह पे। वही बैंड लगा रहता है साउंड वगैरह, तो वहीं जाके उसको पानी में विसर्जन करते हैं सारे लोग, और जो ऊपर की होती है उसको उखाड़ लेते हैं, जो भी गेहूं उगा रहता है उसपे गेहूं जो जो हाँ गेहूं जो 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 भी रहता है उखाड़ लेते हैं उसको। तो बस उसको वहाँ विसर्जन करने के बाद आते हैं घर, और घर हर घर जाके पूरे मोहल्ले में ही लड़कियां, मैं भी जाती थी, मैं 5-6 साल से तो वहाँ नहीं हूँ, पर जब भी जाती थी तो जाती थी, और वही बुजरिया देके, बुजरिया कहते हैं हमारे अंदर उसको, तो वही ऐसे पर्सनली सभी को देते हैं हाथ, हाँ, दो 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 हाथ दो, दो, दो पकड़ते हैं, हाँ, तो सबको दिया जाता था, और बदले में मिलती है दान दक्षिणा, नहीं दक्षिणा अक्षिणा नहीं, बस गले बैठो और आशीर्वाद लो बड़ों का और चले आओ, वही एक आशीर्वाद का बहाना है। इतने टाइम तो इतना रोनचोल रहती है, इतनी रोनचोल रहती है, सारे 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 घर भरे रहते हैं, ढोल मजीरा नाच गाना सारा कुछ रहता है, नाच गाना घर पे इतनी भीड़ भीड़ रहती है कि सारे मोहल्ले की सारे मतलब लड़कियां आती है, तो एक जाती है एक आती है एक जाती है एक आती है, सारी तैयार हो के तो बड़े मजे आते हैं। उसी पल को आरती बहुत मिस करती हूँ, मिस कर रही ऐसे पल बहुत मिस करती हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम लेके चला करूंगा, ठीक है, इस बार ना टूर के चक्कर में, हाँ इस बार थोड़े अगर टूर के चक्कर में हम लोग रह गए, घर चले जाते तो छुट्टी फिर समाप्त हो जाती, छुट्टी समाप्त और टूर के लिए छुट्टी बचानी है ना, तो नेक्स्ट टाइम पक्का जाएंगे 100%। टूर के लिए आरती का त्याग, रक्षाबंधन आपका त्याग, भैया से नहीं मिल पाए राखी नहीं बात भाई, देखिए रोना आ रहा है, आरती काफी दो बटा रही है, कुछ नहीं है क्योंकि मेरे भाई घर पे है भी नहीं, केवल एक है, अरे तो एक तो बहुत होता है, दोनों में से एक भी नहीं आया है, एक भाई तो काफी होता है, तो उससे मैं वीडियो कॉल कर ली थी, हो सका अगर तो फोटो वोटो उनके डालूंगी तीनों की, क्योंकि राखी का तो नहीं डाल सकती मैं, राखी पे कोई है ही नहीं घर पे, सारे के सारे बाहर जो सादा सिंपल फोटो है, तो तीनों भाई के फोटो डालने वाली हूँ आज, देखिएगा जरूर, मेरे भाइयों से मिलिएगा और के बताना के भाइयों से मिलकर कैसा लगा, अब की नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो अपने मायके वालों से जरूर मिलाऊंगी। और इधर यशिका बेसब्री से इंतजार कर रही है अपना गिफ्ट देखने के लिए, एक गिफ्ट तो उसने देख लिया ये तो पहले से ही अनबॉक्सिंग था, पहले से ही अनबॉक्सिंग था तो पहले से ही देख लिया है उन्होंने, वैसे कंट्रोल नहीं हो रही है गिफ्ट मैंने सोचा सब लोगों के साथ ही खोला जाएगा, इसमें है क्या, मुझे एक्साइटेड है यशिका, अब देखते हैं यशिका कितनी खुश होती है, हाँ खुश होगी उम्मीद है पूरी, यशिका देगी रुझान आने लगा फ्रेंड्स, ये से काफी ये क्या क्या है, ये डॉल है इसका डॉक्टर साहब, अच्छा लग रहा है डॉल की फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी डॉल है ये शिकाव, इनसे खेलेगी दिन रात, कानों में लगा कैंची वैंची, अच्छा ये वो है बोलते हैं इस को, और इधर पनीर तल लिया है, इसमें डालेंगे जीरा और खड़े मसाले जो हमेशा यूज करती हूँ, कड़ी पत्ता दालचीनी बड़ी इलायची लौंग और काली मिर्च, और अब इसमें डालूंगी प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट, एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच मिर्ची, और ये किचन किंग मसाला एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, अब इसमें टमाटर का पेस्ट, अब इसको मीडियम फ्लेम पे आराम से भूनने देंगे, स्वाद अनुसार नमक, और ये मसाला रेडी हो गया है, अब इसमें डालेंगे मटर, इसको भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, और इधर पनीर की सब्जी मैंने छोंक दी है, अब इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए पक दे दूंगी, देखिए
कृष्णा मेकअप करके आया। तुमने क्या किया था दीदी को तुमने? मुंह छुपा रहा है। गिफ्ट में क्या दिया था दीदी को तुमने? बताना। बता दो क्या दिया था। कुकरे। और लहंगा नहीं दिया? तुम तो कह रहे थे लहंगा देंगे दीदी को। घड़ी नहीं दे पाया। क्यों? पैसे दिए। पापा ने लाके नहीं दिया तुमको? घड़ी लाके नहीं दिया पापा ने? कृष्णा मांग गया कृष्णा। मैं दीदी को गिफ्ट में दूंगा लहंगा और घड़ी। बातें बहुत करता है। और फ्रेंड्स देखिए इधर डिनर की शुरुआत हो चुकी है। हर्षित यशिका सारे लोग वेट कर रहे हैं। आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। बिल्कुल चावल और पनीर की सब्जी। हाँ जी पूड़ियां गर्मा गर्म खा लीजिए। और बस बताइएगा जरूर कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करें। और चैनल पे नए हैं अगर तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नजर मिलते। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, आपने अपने घरों पे फ्लैग लगाए? हाँ जी। और फ्लैग जरूर लगा जी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। टेक केयर फ्रेंड्स।